हेलो फ्रेंड्स, आज आ गए हैं फिर एक नई वीडियो के साथ। इस बार भी ऑपरेटिंग का ही ये वीडियो है क्योंकि सेटिंग का नहीं है। आज मशीन का सिर्फ दिन भर में एक ही सेटिंग चेंज हुआ, तो उसका हमने छोटा सा एक वीडियो डाला था ऑलरेडी। बड़ा वीडियो नहीं डाल पाया, तभी देखिए दोस्तों हमने एक बड़ा वीडियो बनाया है। तो बड़ा वीडियो अब हम डालने का कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि क्या है, हम रोज़ प्रतिदिन सेटिंग तो चेंज करते हैं, लेकिन आज मेरा एक ही सेटिंग चेंज हुआ और फुल में थोड़ा मतलब बिजी में था उस टाइम, तो उतना वीडियो इंक्रीज नहीं कर पाया मैंने। तो दोस्तों देखिए कैसे काम एक्चुअल होता है सीएनसी मशीन पे। मैंने क्या किया है, 3-4 मशीन का ही वीडियो एक्चुअल डाला हूँ, क्योंकि थोड़ा क्या है लोगों को समझे कि बाबा एक मशीन पे एक काम हो रहा है, तो दूसरा मशीन पे दूसरा काम हो रहा है, तीसरे पे तीसरा हो रहा है, यानी एक वॉक पे कितना सारे अपन जॉब बना सकते हैं, इस चीज़ के लिए भी थोड़ा सा देखिए। तो आपको बहुत बेस्ट सीखने को थोड़ा सा मिलेगा दोस्तों, क्योंकि हमने वीडियो तो बेस्ट बनाया है अपने हिसाब से, लेकिन आप देखने के बाद प्लीज़ कमेंट करके बताइए कि इस वीडियो में क्या कमी है, वो चीज़ के ऊपर हम वीडियो और डालेंगे और हम सुधार करेंगे। हमारा क्या गलती हो रहा है वो चीज़ भी हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अपने तरफ से हमारे तरफ से जो हो रहा है दोस्तों हम दिखा रहे हैं, लेकिन अभी आपके तरफ से आपको क्या प्रॉब्लम है इसमें और क्या और चाहिए इस वीडियो के अंदर ऐड करें हम, कि आपके लिए थोड़ा सा ईजी हो जाए और थोड़ा दिखने को भी अच्छा दिखे, तो ऐसा कुछ रहा तो दोस्तों प्लीज़ कमेंट करके बताइए हमको कि इस वीडियो में ये चीज़ कमी है, ये चीज़ आप डालिएगा तो बरोबर मेंटेन करेगा, तो वो चीज़ के ऊपर हम काम करेंगे, उसको हम सुधार करेंगे दोस्तों। क्योंकि क्या होता है, जब तक गलती अपना सामने वाला नहीं बताता हमारा गलती, तब तक हमारे से सुधार नहीं हो पाएगा। क्योंकि हमको क्या लगता है कि ओके है, हम वीडियो बढ़िया डाल रहे हैं, लेकिन आप देखिएगा उसके बाद बताइएगा। देखिए सुगामी मशीन है हमारा, सुगामी, और इसको कंट्रोलर मिशीबिशी का है, ये कंट्रोलर है जो मिशीबिशी का है, और ये मशीन है जो सुगामी है, कॉम्पैक्ट मशीन है एकदम, मतलब एकदम कॉम्पैक्ट है। जहाँ दो मशीन नॉर्मल बैठेगा वहाँ ये 3 मशीन बैठा है, क्योंकि एरिया बहुत कम लेता है मशीन, और बहुत बेस्ट है, पावरफुल है, मजबूती है, पावरफुल है। तो दोस्तों ये चीज़ भी देखना है अपने को ये चीज़ भी देखना है और इसके ऊपर काम करना है। तो दोस्तों ये देखिए, जब हमारा एक बन के रेडी हुआ, ये जो कि बाइक का जहाँ ब्रेक अपन मारते हैं ना, उसके ऊपर जो रहता है ना रड, उसी का ये एक बोल्ट है, उसका ही एक बोल्ट है ये। तो दोस्तों देखिए कैसे तैयार कर रहे हैं इसको, 2 सेटअप है। अब इसके बाद से जाएगा तो रोलिंग होगा, फिर ग्राइंडिंग होगा, उसके बाद से बजाज कंपनी में जाएगा और गाड़ी में फिटिंग होगा। अब ये देखिए एलईडी है, जो कि केटीएम गाड़ी को प्लग है, ये जहाँ से पेट्रोल पास होता है इंजन में वहाँ का है। देखिए पानी हमने बंद किया है, देखिए स्क्रैप कितना गरम गरम निकला, इन इसको थोड़ा देंगे पानी, इसको पानी देना पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि क्या है नॉर्मल थोड़ा पानी देंगे, नहीं तो क्या वो पार्टिंग टूल है, वो जल जाएगा, टूट जाएगा, तो महंगा है, 1600 रुपये का एक टिप है, 1600 रुपये का एक टिप है दोस्तों। तो देखिए कैसे काम हो रहा है, और ये भी त्रिशूल का इसका ही है, सुगामी मशीन है ये भी कॉम्पैक्ट है, क्योंकि एक वक्त पे 3 मशीन लिए थे। और देखिए काम कैसे, ये गेजेस बोला जाता है इसको, इसका स्नैप गेज बोला जाता है, इसमें 3 चीज़ का चेकिंग है, लेंथ है, ओडी है, फिर एक ओडी है, 2 ओडी है, एक लेंथ है। तो देखिए अब इसका सेकंड सेटअप भी मार के थोड़ा दिखाएंगे, ये देखिए इसके ऊपर सेकंड सेटअप होगा, तो ड्रिल है, सेंटर है, एक TMG टूल है। तो देखिए दोस्तों कैसे अब ये बंदा उसको होम पोजीशन पे लेके जा रहा है, होम पे ले जाने के बावजूद फिर एक बार चाइल करेंगे साइकिल, हम फिर दिखाएंगे दोस्तों कि कैसे मशीन ऑन करता है। इस पर भी कुछ जगह हम पानी बंद करेंगे, कुछ जगह चालू करना पड़ेगा, क्योंकि कॉमन है ड्रिल को पानी देना ही पड़ेगा दोस्तों, ड्रिल को पानी नहीं देंगे तो ड्रिल टूट जाएगा, वहाँ पानी देना है अपने को, तो चीज़ों के लिए थोड़ा सा देखना है और देख के फिर चलना है अपने को। तो देखिए दोस्तों कैसे काम कर रहा है अपना CNC मशीन, ये भी सुगामी है, अभी TMG टूल काम कर रहा है इसके ऊपर,
TMG टूल काम कर रहा है। तो देखिए दोस्तों कैसे काम कर रहा है TMG टूल। क्योंकि क्या है, अभी कितना भी अपन किया जाए तो जॉब आपको तरफ, मेरी तरफ से जो भी है उतना हम कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इसमें क्या गलती हो रहा है, जब तक आपका कुछ मैसेज नहीं आएगा, कमेंट नहीं आएगा, तो हमको कैसे समझ में आएगा कि ये चीज़ कमी है हमारे वीडियो के अंदर, इसमें ये चीज़ और इंक्रीज करना है। तो दोस्तों कमेंट कीजिए प्लीज़ कि इस वीडियो में क्या कमी है और इसमें हमको क्या इंक्रीज करना है, क्योंकि हम इतना कोई बड़ा आदमी नहीं है, हम छोटा मोटा आदमी है, लेकिन इसमें क्या है, क्या कमी है, क्या बेसी है। जब तक दोस्तों हमारे तक आएगा नहीं तब तक कुछ होगा नहीं। अभी एक भाई ने बोला था कि तुमने लेथ मशीन चलाई हो लेकिन काम का किया मशीन वो तो दिखाया नहीं है, खाली तुम्हारा चेहरा ही है। तो फिर मैंने ये को वापस वीडियो बना के स्पेशल फिर 4 मिनट के वीडियो बना के डाला। ये टैपिंग मशीन बोला जाता है इसको, ये टैपिंग मशीन है, M6 का ऊपर का टैप नहीं मारा गया, हमारा ट्रे है जो मटेरियल रखने उखने का, और यही LED ये भी पार्ट है, इसको 2 mm का ड्रिल हो रहा है, यहाँ से पेट्रोल निकलेगा। तो देखिए कितना, मतलब 2 mm का ड्रिल से पेट्रोल पास होता है, तो भी बहुत फास्ट हो गया, बोले तो बहुत फास्ट हो गया। तो दोस्तों देखिए कैसे कैसे मतलब काम हो रहा है अपने से, तो मैं सोच रहा हूँ बहुत इजी करूँ, लेकिन क्या दोस्तों थोड़ा थोड़ा समय लग ही जाता है। तो प्लीज़ दोस्तों पूरा वीडियो देखिए अंत तक और हमको कमेंट करके बताइए कि इस वीडियो के अंदर ये कमी है, उस कमी को हम सॉल्व करेंगे। देखिए ये पार्ट काउंट है इसका, ये पार्ट काउंट 0 कर दिया मैंने, तो नेक्स्ट किया, ये पैक है इसका, पैक आपको मिलेगा साफ देखने को, ये देखिए पैकिंग है, पैकिंग है, और ये जब चालू हुई है अभी पैकिंग है इसका, इसका पैकिंग है, अभी चालू भी है वीडियो। तो दोस्तों देखिए कैसे कैसे काम हो रहा है, कैसे कैसे काम हो रहा है दोस्तों, देखिए प्लीज कैसे कैसे काम हो रहा है और जब हमारा कैसे तैयार हो रहा है, जब कैसे तैयार हो रहा है वो दोस्तों देखिए हमारा क्या है। अभी जब बनाने का उद्देश्य वही है कि लोगों तक पहुँचे, लोगों तक पहुँचे, कोई भाई बोलना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं कि CNC मशीन हमको सीखना है, तो बिंदास आप आ जाओ दोस्तों हमारे पास, ज़रूर वीडियो को देखो, उसके बाद से कमेंट करो, डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर है, लिंक है, एड्रेस है, आप कभी भी मेल करो, ईमेल आईडी भी है, आपको एड्रेस पता सब मिल जाएगा दोस्तों। और जिस भाइयों को अगर CNC मशीन सीखना है तो प्लीज़ कॉन्टेक्ट करें हमसे। ये देखिए ये कनेक्टर है, ये 3-व्हीलर का है, रिक्शा का पार्ट है, ये भी इंजन का ही पार्ट है एक्चुअल, ये लेकिन 3-व्हीलर का है, ये 2-व्हीलर का नहीं है, 3-व्हीलर का है, ऑटो का है। तो देखिए इसको भी टर्निंग हो गया, इसमें ज़्यादा काम नहीं है हमारा, टर्निंग है, उसका से रोलिंग होगा, फिर ड्रिलिंग होगा, ओके, उसके बाद प्लेटिंग होकर डायरेक्ट डिस्पैच हो जाएगा दोस्तों। तो देखते चलिए फुल वीडियो देखिए प्लीज़ दोस्तों, और इसमें क्या कमी है, क्या ज़्यादा है, बेसी है, वो चीज़ हम तक आना चाहिए, तब हम उस टॉपिक पर हम वीडियो एक बनाएंगे, उस टॉपिक पर तब हम वीडियो एक बनाएंगे दोस्तों। तो देखते चलिए कैसे वीडियो हमारा चल रहा है। और ये देखिए रेडी मटेरियल है, ये बनाने का पार्ट है, ये बनाने का पार्ट है दोस्तों, ये देखिए हमारे भाई ने एक लगाया है पार्ट, ये देखिए इस पर कैसे चालू है, देखिए दोस्तों कैसे चालू है, इसके ऊपर जॉब आपको देखने को मिल जाएगा थोड़ा इंटरफेस, देखिए कैसे जॉब चालू है। और ये जॉब होने के बाद इसके बाद से हमारा आएगा एक ज्योति, ज्योति मशीन का आएगा वीडियो, देखते चलिए दोस्तों कैसे कैसे हो रहा है, काम कर रहा है अपना मशीन CNC मशीन कैसे काम कर रहा है देखिए, और काम करके कैसे अपना पूरा कर रहा है कमेंट वेट, देखिए दोस्तों, देखिए दोस्तों कैसे काम कर रहा है अपना CNC मशीन। टर्निंग बोला जाता है इसको, इस पर मिलिंग नहीं होगा, केवल टर्निंग ही होगा, मिलिंग के लिए दूसरा मशीन आता है। तो दोस्तों देखते चलिए फुल वीडियो देखिए हमारा, और जो भी कमी ज़्यादा है इसमें प्लीज़ कमेंट करके बताइए, प्लीज़ कमेंट करके बताइए। और ये ऑपरेटिंग के ऊपर ही वीडियो है, कोई प्रोग्रामिंग के ऊपर वीडियो नहीं है, सिर्फ जब बनता कैसे है, चेक कैसे हो रहा है, बस इतना ही चीज़ इस वीडियो में दिखाया गया है। आप सोचिएगा इसमें प्रोग्राम एडिटिंग प्लस माइनस नहीं, इसके लिए वीडियो नहीं है हमारा, ऐसे वीडियो बहुत सारा है, आप चेक कर सकते हैं लॉन्ग वीडियो में, प्लस माइनस के लिए भी डाला हूँ, थोड़ा प्रोग्राम एडिटिंग का भी बताया हूँ, उसमें टूल नंबर ऑफसेट का भी खास वीडियो मैंने डाला हूँ। तो दोस्तों थोड़ा सा आप चेक कीजिएगा तो आपको मिल जाएगा वीडियो,
चलिए दोस्तों, थैंक यू। थैंक यू दोस्तों। अभी देखिए हमारा ज्योति मशीन आ रहा है, ये देखिए ज्योति मशीन, हमारा ज्योति मशीन D60 है। देखिए कितना बेस्ट मशीन है, एकदम एकदम कॉम्पैक्ट मशीन है अभी, लेकिन तो भी सुगामी मशीन से ज़्यादा एरिया लिया है। इस पर भी टर्निंग चालू है, ये भी थ्री व्हीलर का ही है, इसके ऊपर भी थ्री व्हीलर का ही पार्ट चालू है। तो देखिए दोस्तों कैसे पार्ट बन रहा है हमारा, देखिए दोस्तों पार्ट कैसे बन रहा है, कैसे तैयार हो रहा है, आपके सामने इंटरफेस आएगा खुल के। दोस्तों प्लीज़ देखते चलिए, फुल वीडियो देखिए हमारा कैसे बन रहा है और कैसे चालू है। अभी टर्निंग तो हुआ, अभी देखिए दोस्तों कैसे पार्ट चालू है, पार्ट चालू अपना, देखिए टर्निंग हुआ, पार्टिंग हुआ, फिर इसके बाद से देखिए जब तैयार हो गया हमारा। देखिए दोस्तों ऐसे ऐसे करके पार्ट बनता है, ये इंजन में बैठता है, दोनों साइड थ्रेडिंग रहेगा, बीच में हैक्स तो है वो टाइट करने के लिए, पाना से टाइट करने के लिए है। देखिए इधर फर्स्ट सेटअप है लेकिन नहीं लिया मैंने, अभी देखिए थोड़ा सा इधर देखेंगे, उसके बाद आपको एक पॉलीगॉन CNC मशीन दिखाएंगे। इस पर केवल मिलिंग होता है, टर्निंग नहीं होता, एक क्रस प्लेट, स्क्वायर, हैक्स, गुरु, चार प्रकार के, जितना प्रकार के मिलिंग है उतना प्रकार के दोस्तों इस पर ऊपर मिलिंग होता है। तो ये मिलिंग स्पेशलिस्ट है, देखिए कैसे राउंड पार्ट है, इसको एक क्रस प्लेट मिलिंग कैसे होता है ये देखिए, FZ करके पार्ट है हमारा, ये थ्री व्हीलर का जो पार्ट है ना, रिक्शा है उसका ब्रेक मारते वहाँ का पार्ट है, देखिए ये राउंड पार्ट है। अब देखिए कैसे उसको खांचा मारेगा, वहाँ पकड़ने का ग्रिप बन जाएगा। ये पॉलीगॉन लेथ मशीन है, देखिए दोस्तों पॉलीगॉन लेथ है, पॉलीगॉन लेथ पे कैसे मज, देखिए जब बन गया राउंड के, एक क्रस प्लेट मिलिंग हो गया। तो देखिए दोस्तों ये हमारा था आज का वीडियो, और ये हमारा प्रोग्रामिंग वगैरह रिलेटिव है। देखिए दोस्तों हमारा आज का फुल वीडियो कैसा लगा।